1733 राजा सूरजमल ने भरतपुर रियासत को अपने अधीन किया, जिसकी शाखाएं 1753 तक फूरशाह कोटला तक बढ़ा ली। इसी भरतपुर की सीमाएं दिल्ली, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, धौलपुर, सोनीपत, मेरठ और गाजियाबाद तक फैल गई थी, जिसे 1947 में भारत में शामिल कर लिया गया। इसी भरतपुर के एक व्यक्ति ने अपने आप को राजा सा बनाने का ख्वाब देखा और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अग्रणी कंपनी सेफ शॉप प्राइवेट लिमिटेड को चुना अपनी कर्मभूमि और अपने आप को बनाया सेफ शॉप का डायमंड लीडर मिस्टर सुनील कुमार सिंह। पहाड़ों पर पत्थर तोड़ अपनी जिंदगी की शुरुआत करने वाले श्री प्रेम सिंह उर्फ प्रेमी अपने 8 बच्चों की देखभाल करते। इनकी पत्नी श्रीमती गिरिराजी देवी बच्चों के लालन पालन के लिए खेतों में मजदूरी करती। इन्हीं के आंगन में 25 जुलाई 1985 में जन्म हुआ सुनील का। सुनील 2 बहनों से छोटे और 5 भाई बहनों से बड़े थे। गरीबी से बचपन का नाता था तो गांव घटौली, तहसील रूपबास, जिला भरतपुर, यहीं के बीपीएल राशन कार्ड में सुनील का नाम दर्ज हुआ तो यहीं की प्राथमिक विद्यालय से शिक्षा की शुरुआत भी हुई, जहां से 1 से 5वीं तक की शिक्षा ली। 8 बच्चे और कमाने वाले लगभग एक व्यक्ति, तो घर के हालात बहुत ही खराब थे। जब सुनील 6 से 9वीं कर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पढ़ने पहुंचे तो अपनी शिक्षा की फीस देने के लिए सब्जी और फल के ठेले को लगाते। बहनों की शादी होनी थी। तो एसटीडी पीसीओ को भी चलाया और पेप्सी की एजेंसी भी ली। दोनों बहनों की शादी की। तब तक पिता पर 5 लाख का कर्जा हो चुका था, जो दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा था। पर माता पिता का सपना था बेटे को अफसर बनाना, तो 10वीं से 12वीं करने रूपबास तहसील के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा लेने चले आए। राजस्थान का जिला था तो बाल विवाह होना ही था। इसी वजह से मात्र 16 साल की उम्र में सुनील का विवाह हो गया। 25 अप्रैल 2001 नवल देवी सुनील की जिंदगी में आ गई पत्नी बनके और अपनी चौखट को लांग सुनील के जीवन में प्रवेश किया। अब कर्जा और बढ़ चुका था तो लगा कि आगे की पढ़ाई संभव नहीं है। तब पिताजी और माताजी ने प्रोत्साहित किया और अफसर बनने के सपने को फिर से दिखाया। तो रूपपास में रहकर ही 12वीं कंप्लीट की और बीए करने एमएसजे कॉलेज भरतपुर में दाखिला ले लिया। इसी समय कर्जा भी अपनी रफ्तार से बढ़ रहा था तो लगा कुछ करना चाहिए
और 2004 में यूपी रोडवेज में संविदा पर बस परिचालक हो गए। आंखों में अफसर बनने के सपने थे, पर नौकरी छोटी थी। परिवार खुश था कि जल्द ही परमानेंट हो जाएगा, तो पत्नी को मथुरा ले आए, यहीं रहना शुरू किया। बेटी तनु, मोहन, तनिषा और अभय के पिता बने। खर्चे ज्यादा थे और आय कम, लगभग 10,000 रुपए महीना, तो गुजारा करना मुश्किल था। भाइयों की शिक्षा के साथ अपने बच्चों की शिक्षा का प्रबंध भी सुनील के कंधों पर था, पर सुनील अपनी भी पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहते थे, इसीलिए नौकरी के साथ एमए और बीएड एमएड किया। बीएड का स्थान बना वंश हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट और एमएड जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से। इसके बाद एमजेएमसी सेंट विल्फ्रेड पीजी कॉलेज जयपुर से पास किया। अब लगा पिताजी का सपना पूरा कर पाऊंगा, तो आरएएस और आईएएस की तैयारी करने लगे। दिन में नौकरी और रात में पढ़ाई, इसी वजह से नौकरी में मन नहीं लगता, जिस वजह से एब्सेंट रहने लगे और नौकरी से 2012 में निकाल दिया गया। अब ना नौकरी थी और परेशानियों का पहाड़ टूट गया था, तो गांव आकर दैनिक भास्कर की एजेंसी ले पत्रकारिता करने लगे, साथ ही कंपटीशन की तैयारी कर दे। अफसर बनने का सपना आंखों में पल रहा था, बड़ा आदमी बनना यही एक उद्देश्य था। तभी ममेरे भाई ने सेफ शॉप का प्लान दिखाया, तो उसे ज्वाइन कर लिया और उसे करना शुरू किया। अपनी शिक्षा और उसके तरीके यहां काम नहीं आ रहे थे, तो सेफ शॉप को समझना शुरू किया। पिता नाराज थे, पढ़े होने के बाद भी फालतू का काम करने में फंस गए हो, पर सुनील को यहाँ आर्थिक आजादी दिख रही थी। ये तो नहीं थी वो सुबह रातों को जिसकी खातिर चले, कटता नहीं है ये रास्ता लो, होते नहीं कम ये फासले, फर्क न होंगे बढ़ते रहेंगे ये हौसले, ये हौसले, ये हौसले, ये हौसले। तो ट्रेनिंग लेना शुरू किया और इसी समय मुलाकात हुई धर्मवीर सर से, जिन्होंने मेंटर की भूमिका को निभाया। अब सुनील ने भी सिस्टम को समझना शुरू किया। सड़क गिर के देख तो भिड़ के देख, फिर ख्वाबों पे तो मिट के देख, सड़क गिर के देख फिर ख्वाबों पे तो मिट के दे, मैदान भी होगा तेरा तू हक से मान, लगा मिट्टी माथे और ले छलांग, और ले छलांग, और ले छलांग। तो टीम का भी निर्माण होना शुरू हुआ, तो पहले सिल्वर, फिर गोल्ड और उसके बाद टोपाज बने, और परिवार को साबित किया कि सुनील अपने सही रास्ते पर हैं। अब परिवार भी सपोर्ट में आ गया था, इसी सपोर्ट ने उन्हें कई बड़े टारगेट अचीव करवाए, लैपटॉप, मोबाइल, कार और अपने घर को अचीव कर चुके हैं, और आज अपने आप को बना रहे हैं रूपास तहसील का डायमंड लीडर। मिस्टर सुनील
कुमार सिंह। त्रिलोचनाय दिगंबराय अतिविशिष्टं विराट रूपं भोजसनुपं सुखं प्रदाता सदा वसन्तं मनः शिवाय। हौसलों की रोशनी बढ़ती जाते रोशनी बढ़ती जाते धरती अंबर वावे है धर 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 Oh, yeah.